विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा 2 दिवसीय आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्राकृतिक से जुड़े सभी प्रकार के पौधे इस प्रदर्शनी में लगाए गए। वहीं शिक्षा शक्ति सहयोग संस्था के आयोजक ने बताया कि इस प्रदर्शनी को लगाने का एक ही उद्देश्य है, लोगों को प्रकृति से जोड़कर रखना और आयुर्वेद की महत्वता बताना। वहीं प्रदर्शनी में आए लोग प्रकृति के प्रति जागरूक भी हुए। नमस्ते, मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान। आज का कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर है। आज चूंकि पर्यावरण दिवस है तो जन जन को जागरूकता के लिए पर्यावरण प्रदूषण खत्म हो सके इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि वृक्षों के बारे में जानकारी आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी के नाम से ये प्रदर्शनी है, जिसमें हर वृक्ष के गुण लाभ के बारे में सभी लोगों को बताया गया है, जिससे कि लोग इससे जुड़ पाए। आज हर व्यक्ति खोजता है कि किससे क्या लाभ है, तभी जुड़ता है। इसीलिए वृक्षों के लाभ के बारे में हर जन जन को बताना, इनके युवाओं को जोड़ने का प्रयास ये प्रदर्शनी किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगे, प्राणवायु बढ़े और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में लोग प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं और प्राकृतिक को स्वच्छ बनाना कितना ज़रूरी है? ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि आज के युवा प्राकृतिक से बहुत दूर होता जा रहा है। जिस तरह से वृक्ष कटते जा रहे हैं और प्लास्टिक को लोग उठाते जा रहे हैं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग प्लास्टिक से दूर हटिए और प्राकृतिक से जुड़िए, क्योंकि अभी कोरोना काल आया था, इसमें आपने देखा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही कोरोना काल का इतना बड़ा मार हम सबको सहना पड़ा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें हम लोग। अधिक से अधिक जन जन में जितने मनुष्य हैं उतनी पेड़ की आवश्यकता है कि उसे प्राणवायु मिल सके। हम प्राणवायु से ही जिंदा रहते हैं और प्राकृतिक जब नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक से प्रेम करना होगा और प्राकृतिक के विकास के लिए अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना होगा। शिक्षा शक्ति का एक ही उद्देश्य होता है कि आप प्राकृतिक से जुड़िए और हमारे देश का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेद हमारे देश का जनक माना जाता है हमारे देश को, उसको पुनः हम लोग जागरूक करने का काम करने वाले हैं। इस छोटे छोटे प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा कोशिश है कि जन जन को जागरूक करने का कार्य किया जाए। आपका? मेरा नाम पायल पटेल है, मैं सेम ऑनलाइन एजुकेशन से कंप्यूटर की एजुकेशन लेती हूँ शिक्षा शक्ति सहयोग संस्था से। आज इस संस्था के माध्यम से कैसा प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा शक्ति सहयोग संस्था के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया और इसका मात्र ये उद्देश्य है कि आजकल के जो मॉडर्न टाइम में जो युवा पीढ़ी है या फिर यू कहे जो ये लोग हैं वो एलोपैथी से बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और आयुर्वेदिक चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्था का एक छोटा सा प्रयास है कि लोग आज के इस टाइम में मॉडर्न टाइम में भी वृक्षों से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। UP Sat News के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।